बड़ा तेवर, ओच का वो बड़ा स्वर, जिसे मैं भी खुद काफ़ी दिनों बाद सुनूंगा। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन में, जिसको हमने आखिरी में बिल्कुल बचा के रखा था एक कीमती मोती की तरह, बस आपकी एक बार जोरदार तालियां उठ जाएं। हम लोग कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हैं। दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी आएं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं नमन करता हूं। और कितने लोग चले गए साहब, मैं वो दर्द लेके आया हूं कुछ छंदों के माध्यम से, और कुछ शहीदों का नाम भी लूंगा। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागतम स्वागतम भाई। कैसे इस देश को उन्होंने इसका बेड़ा उद्धार किया है, ये कुछ झांकी आपको दिखाना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों से अनुरोध सुनिएगा कि याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, हुंकार उठती जो आत्मा की देवी है, और याद आती रक्त की फुहारे आग्नेय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्रसेवी है। कि देश के नेताओं, यहां धर्मशाला नहीं कोई, यहां भव्य मंदिर में भारतीय देवी है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी है। कि मेरे लिए माटी यहां है पवित्र, क्योंकि बंधु बलिदान देकर के इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम चो कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की संस्कारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरे लिए माटी, मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र, क्योंकि बंधु बलिदान दे करके इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की सिस्कारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरी माता का रुंधा वो स्वर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है, और मुकुट संभाल लेना गिरने न पाए लाल, अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज है। तो जाओ बेटा, माता तेरी हंस के विदाई देती, एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है, और मर जाना देश हित पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारी मेरे दूध की भी लाज है। चले हम घर छोड़ क्रांति की डगर पर, नैनों में भागीरथी आंसुओं की छा गई, और पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला गई। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिता, अब देश की कराह आज आत्मा हिला गई, और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य मां, राह देख देख बूढ़ी आंखें पतरा गई। चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, बहुत अच्छे, चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी, और देश भूखा रहने न पाएगा मैं प्रण लेती, परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़, देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद और धांगिरी कहाऊंगी, और जाओ प्रिय तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगी। जाओ प्रिय जिंदाबाद, जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, वाह दुष्यंत सुनिएगा, कि जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, आंसू पोछती हूं कर्तव्य को निभाऊंगी, और मैं सावित्री बन सकती ना किंतु प्राणनाथ, झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बलबेदी पे कटाऊंगी, और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिनी कहाऊंगी। ये आजादी सस्ती लगती है, वाह, ये आजादी सस्ती नहीं साहब। कुछ छंद और पढ़ता हूं, एक बार तालियां बजा दीजिए। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, क्या माता बात? को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाश बिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिलाना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था बोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। बढ़िया। कि मैं शहीद भगत हूं। भाई साहब, ये वो हिंदुस्तान है जिसने आजादी के 90 वर्षों के बाद तक
कहीं लिखित गजेटियर में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। अब पूरी जनता देश की उनको शहीद आजम कहती है तो सरकारों को भी कहना पड़ा शहीद भगत सिंह, वरना तो सरकारों का ये मानना था कि ये सब लुटेरे लोग हैं, ये सब क्रांतिकारी नहीं हैं, ये हिंसावादी लोग हैं। ये स्थिति इस देश की है तब कहना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाइए, मैं कुछ शहीदों का नाम लेता हूं। मैं बड़े धैर्य के साथ सुनता रहा लेकिन मैंने कहा बेटा आने दो नंबर हमारा। कारण यह है कि मैं भी टाप का कवि हूं और संकोची नहीं हूं। अब मैं मांग लेता हूं आपसे कि तालियां जब हमें चाहिए तो मैं, मेरा धर्म है कि जब आपको कविताएं सुना रहा हूं तो आपसे तालियां भी मांगूं। तालियां जब हरिभक्त सिंह पंवार मांगते हैं, हरिओम पंवार कुमार विश्वास मांगते हैं, तो हम जैसे लोगों की क्या बिसात। मांगनी चाहिए तालियां, एक बार बजा दो। स्वागतम भाई। माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाशबिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था अबोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूं, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो, मैंने संयम को तोड़ा था, और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली पे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी अकड़ ना सह सका, मैं आजाद, मैंने क्रूर हाथ को मरोड़ा था, और तन तो बचाना किंतु रूह पे निशान अभी कैसे दिखलाऊं, खाया अंग्रेजी कोड़ा था। और साहब एक महीने बाद आपके दरवाजे पर कुछ ऐसे लोग आएंगे, दस्तक देंगे पजेरो से, सफारी से, फॉर्चूनर से, इंडीवर से, वो लोग आएंगे आपके दरवाजे और बेल बजाएंगे। आप अंदर से निकलोगे तो उनकी वेशभूषा होगी लंबा सा कुर्ता सफ़ेद, मोटा सा कलावा, एक ब्लैक चश्मा, दो चार साइडों उनके आगे पीछे घूमते हुए आएंगे और आपसे कहेंगे भैया पिछली बार ध्यान दिया था, आपकी बार फिर। अरे उनका हक है मांगना चाहिए, लेकिन गलती आप करते हो, उनको क्या कहते हो? नेताजी। उनको नेताजी कहना बंद करो साहब, क्योंकि हम और आप अगर नहीं सुधरेंगे तो ये परिपाटी चलती रहेगी। ये माननीय हो सकते हैं, ये विधायक जी हो सकते हैं, ये सांसद जी हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये नेता नहीं है। कुछ चीजें इस देश को केवल एकलौती मिली है, जैसे महामना मिले तो केवल एक मिले, मदन मोहन मालवीय। उसी प्रकार से अगर इस देश को कोई नेता मिला है तो केवल एक मिला है, जिसका नाम है बाबू सुभाष चंद्र बोस। इनमें आपको नेता होता नहीं मिलेगा, ये सब जनसेवक हैं। मैं उस शहीद नेता के नाम पर एक छंद पढ़ता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागतम, एक बार तालियां बजा दो मित्र। स्वागतम स्वागतम स्वागत। कि खून दो, अरे खून दो, तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को, पहचानो मुझे वही राष्ट्र का सुभाष हूं। और गर्जना हमारी सुन, छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश हूं। कि पिस्तौल धारी मैं हूं देश का पुजारी नेता, कोटि कोटि भारतीय जनता की आस हूं, और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूं या किसी कब्र में दबाई लाश हूं। क्या बात, क्या बात, ये बात हमारे है? देश के नेता है। क्या बात। और एक अंतिम छंद पढ़ता हूं भाई साहब। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक छंद पढ़ता हूं और ये छंद मेरी कविता का क्लाइमेक्स छंद है। मैं आपको बताऊं, एक बार ये नरकंकाल था हमारे साथ। अरे भैया, हम लोग कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। भैया एक मिनट सुन लो, बस दो तीन मिनट और पढ़ूंगा बस। कानपुर में जा रहे थे, पनकी का रास्ता भूल गए, तो एक 16 साल का लड़का हमको नजर आया। हमने उससे कहा बेटा पनकी का रास्ता बता दो, तो लड़का जानते हो साहब, वो सिगरेट पी रहा था, 16 साल का था, उसकी उम्र 16 साल की रही होगी, वो सिगरेट पी रहा था और धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। तो हमने कहा बेटा सुनो जरा, पनकी का कौन सा रास्ता ये बता दो, चौराहा हम भटक गए। तो बड़ी बेहूदगी के साथ वो हंसा और उसने गाना गाया, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। हमने कहा सुनो बेटा, जब तुम जवां होगे
तो तुम यहां नहीं सीधे वहां होगे, पहले जमा तो हो जाओ। बहुत बढ़िया। अरे साहब, ये ऐसे हिंदुस्तानी का देश है, एक ऐसे 16 साल के क्रांतिकारी का देश है जिसका नाम ब्रिटेन की कॉमन्स सभा और लॉर्ड सभा में यदि वहां का कोई एक सांसद ले लेता है तो एक दिन के लिए ब्रिटेन सरकार उसको निलंबित कर देती है, और वो हमारे भारत का गौरव है। कुछ पगड़ियां बैठी थी, मैं उनको नमन करता हूं, ये उनके खानदान से इसका नाम आता है। और दुष्यंत सिंघनाजी को भले ही तालियों का आशीर्वाद मत दीजिएगा, लेकिन उस शहीद के नाम पर उसकी श्रद्धा में दोनों हाथ उठा करके इस छंद के अंत में अपनी तालियों का आशीर्वाद दे दीजिएगा, अपनी श्रद्धा अर्पित कर दीजिएगा। मैं समझूंगा कि मेरा काव्य पाठ करना यहां सार्थक हो गया। सुनिएगा दुष्यंत भाई, स्वागत। कि मैं शहीद उधम हो, मैं शहीद उधम हो, मैं शहीद उधम हो, 16 वर्ष का किशोर जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था, और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहां पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो मां का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया था। हाय हाय हाय, हमारे देश का पानी। वाह वाह, पृथ्वी भर का पाकिस्तान मुकाबला करेगा हमारा। वाह, जहां इसे लाडले पैदा होते हूं कि मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूं प्रथम, फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था, और देशवासियों की दशा देख के समझ गया शोषित है लोग, घर जलता ना चूल्हा था, कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग, बरतानी स्वामी भक्ति सारी याद भूला था, और अंग्रेजी कर्नल को ठोक डाला गोलियों से, क्रांति का सिपाही मैं हूं फांसी फंदा झूला था। क्या बात है। कि राजगुरु और बटकेश्वर हूं पहचानो, चौरी चौरा कांड सुनकर डाका डाला था, और दानवीय खूनी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ इनकलाब नारे को बुलंद कर डाला था, कि जलियांवाला बाग आज भी गवाही देता, मैंने उन शहीदों का हिसाब चुका डाला था, और अंग्रेजी अफसरों को घर से निकलते ही तातड़ गोलियां चला के भून डाला था। ये हमारे देश का गौरव है। अंतिम दो छंद पढ़ता हूं, एक बार तालियां बजा दो। दुष्यंत भाई बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अगर चित्र लगाना हो पत्रकारों, तो एक शीर्षक एक कलम में लिखना, यह सब घटता जा रहा है, मिटता जा रहा है हमारे आपके संस्कार, इसको लिखना कि हमारे आपके घरों के जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा भी देना, किसी एक शहीद का चित्र अपने घर में वो अवश्य लगावें। क्या बात है। झरे हुए केश, अच्छा सुझाव है, झरे हुए केश हाथ में उठाए माउजर, मूछ पर ताव देता हुआ सिंहनाद हूं, और चौड़ा सीना पीठ पर पहने जनेऊ एक, सच कहता हूं पहचानो मैं आजाद हूं, कि आंख खोल देखो मुझे, झुकना ना सीखा कभी, धरती का लाल इसी माटी का प्रसाद हूं, और देश प्रेमियों के हृदयों में ले रहा हिलोर, वीर चंद्रशेखर तिवारी जिंदाबाद हूं। हाय 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 हाय। और मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों का कभी विरोध नहीं करता, जितना ये देश हमारा है उतना उनका भी है, जो हमें छोड़ के नहीं गए हम उनको नहीं छोड़ सकते। कमाल है, कमाल है। आजकल तो गांधी को गाली देने की परंपरा इस देश में शुरू हो गई, यह कैसा नया भारत है। छंद सुनिएगा कि गाजीपुर का दुलारा, भारत का प्राण प्यारा अब्दुल हमीद, रथ रुकने नहीं दिया, और एक हाथ में तिरंगा दूजे हाथ हथ गोला, तिल भर भी न टैंक आगे बढ़ने दिया, कि पाक के समेत अमेरिका का अहंकार ध्वस्त किया पाटनों को नहीं चलने दिया, और एक नहीं सीने पर खाई 20-20 गोली, किंतु देश का तिरंगा नहीं झुकने दिया। ये हमारे आइकन और ये हमारे आदर्श हो सकते हैं, ये शाहरुख खान, ये हकले, ये आमिर खान हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अंतिम छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत दुष्यंत भाई, स्वागत। इस महान भारत में घूमते बेरोजगार मोहताज नाती पोते मेरे एक रोटी को, और सत्ता के दलाल चोरवा उचक्के माननीय, माल यहां काटते मलाई माल बोटी को, कि पत्थर की प्रतिमा हमारी उस पे चढ़ाते फूल और सेकते हैं राजनीति रोटी को, और इन चोरों ने बिगाड़ दिया पूरे वतन को, शर्मसार किया है हिमालय की चोटी को।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोल दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की।